स्टॉप भाई, अगर मेरी रील या वीडियो तुम्हारे सामने आ गई तो स्किप मत करिए, एक बार पूरी बात सुन लो। खासकर मेरी बात है उन लड़कियों के लिए जो कह रही है ना कि हमारे घर वाले बाउंडेशन में रखे हैं, बाहर भीतर ना जान दें, रोक टोक ज्यादा करें, तो भाई तुम्हारे लिए है ये बात। ना तुम्हारे घर के रोकेंगे, कहीं भी घूमोगे मस्त रहोगे, रोक टोक बंद। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं भाई, जो भेड़ एक रहे ना, भेड़ पहाड़ पे चढ़ने जावे तो उनके इर्द गिर्द कुत्ता रहे हैं। वो क्यों, कोई भी भेड़ इधर उधर जैसा अलग निकलेगी तो कुत्ता भोंकेंगे और वह इकट्ठे झुंड में लिया हुए हैं। तो क्या हुआ, जो भेड़िया रहे ना वे पहाड़ के पीछे बैठ कर ना घूर घूर के देखते रहे और कहें भाई इन कुत्ता की वजह से हम तो भेड़ को शिकार ना कर पा रहे। तो भाई वे फुल टेंशन में रहे। जैसे ही उन्हें मौका मिले एक भेड़ अलग आवे तो आता कहें कि भाई ये जो कुत्ता है ये तो तुम पर रोक टोक बहुत कर रहे हैं, ये तो तुम्हें कहीं जान ना दे रहे, तो भाई ये तो तुम्हारी गैल अन्याय हो रहा है। भाई भेड़ की बात समझ में आवे, सारी भेड़ आपस में बात करें कि भाई ये कुत्ता है ये तो भाई गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं, तो सारी भेड़ बागी हो जा कुत्ता अंत है। नुका भाई तुम अपने यहाँ रह करो, हम तो पहाड़ पर ही अकेले चढ़ने जाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम रोक टोक ज़्यादा करो। तो भाई कुत्ता कहे भाई ठीक है, मर्जी थारी, भेड़ हो तुम अपने चले जाओ अकेले। तो भाई भेड़ी के लिए झुंड में जा रहे हैं चढ़ने पहाड़ों में। तो जैसी भेड़िया छुप के देखते रहे कि भाई आज तो कुत्ता ना आए, आज तो अकेले भेड़ आई हैं, तो भाई एकदम उन पर कर दें हमला और कई भेड़ ना खावे और पेट भर के अपना शिकार कर लें। तो आई बात समझ में। तो भाई ये भेड़ भेड़ के ऊपर बात ना, ये तुम्हारे ऊपर है। समाज में बहुत भेड़ियाँ जिनकी नज़र तुम्हारे ऊपर है और जो तुम्हें रोक रहे टोक रहे ना घर वाले, या हमारे रोक रहे टोक रहे हैं कि कोई तुम्हारा शिकार ना कर ले, है ना, क्योंकि भाई तुम उनके औलाद हो, वे तुम्हारी रेख देख करेंगे। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा शिकार भी हो जाता तो फिर तुम्हारे द्वारा क्या जवाब रहे, भाई मैं तो 3 साल रिलेशन में रही, मैं तो 2 साल रिलेशन में रही, मेरे तो यूज कर लिया, यूज ना करा शिकार कर लिया। तो ये हमारे भेड़िया बहुत हैं, उनको शिकार मत बनो, दिमाग तक काम लो। और एक बहुत पुरानी कहावत है भाई, जो लोग अपने घर वालों की सलाह ना लेते ना वो वकीलों की लें। तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, थोड़ी सावधान रहो, समाज में बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब भी सुरक्षित रहोगे। जय श्री राम।